सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगमन हो चुका है, जहां पर मैच नंबर 1 खेला गया इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच में। और आज के इस वीडियो में आपको पूरी मैच हाइलाइट्स देने वाला हूं कि कैसा क्या हुआ पूरे मैच में। सबसे पहले बात करें तो इंडिया लेजेंड्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, और अब आप दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हां, एक बात और, मैच हाइलाइट देने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई मैच बहुत शानदार हुआ। साथ ही में यार, मैच में जो सचिन क्राउड चिल्ला रही थी ना, वो बहुत शानदार था। कहीं से वो क्लिप ढूंढो और देखो, मजा आ जाएगी अगर आप सचिन या इंडियन क्रिकेट के फैन हो। और साथ ही में यार, ये मैच काफी ज्यादा फ्रेंडली वे में हुआ था, कोई एग्रेशन ज्यादा नहीं दिखा रहा था। और साथ ही में एक सीन तो ऐसा भी आया था जहां पर टीनो बेस्ट और वीरेंद्र सहवाग दोनों गले में हाथ डाल के खड़े थे, तो काफी फ्रेंडली वे में ये मैच हुआ। अब बात करें मैच की, तो भाई वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की तरफ से ओपनिंग करने उतरे डेरेन गंगा और चंद्रपॉल। डेरेन गंगा ने 32 रन बनाया और जहीर खान ने इनको बहुत सही बोल्ड करा। इसके बाद आए कप्तान ब्रेंड लारा सिर्फ 17 रन बना सके, काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन इरफान पठान ने इनको स्टंप करवा दिया। इसके बाद चंद्रपॉल बहुत अच्छा खेल रहे थे, 41 बॉल में 61 रन की एक शानदार पारी चंद्रपॉल ने खेली। मुनाफ पटेल ने आखिरी में इनको आउट करा। इसके बाद ज्यादा कोई टिक नहीं सका वेस्ट इंडीज की तरफ से। डी वॉट ने 12 रन बनाए, सी कूपर भी 2 रन बना सके, पॉवेल ने 1 रन बनाया, रेडली जैकब्स ने 2 रन बनाए, टीनो बेस्ट ने 11 रन बनाए, सुलेमान बेन ने 1 रन बनाया और पेड्रो कॉलिंस ने 3 रन बनाए। और इसी के साथ वेस्ट इंडीज लेजेंड ने 20 ओवर में 150 रन का एक आंकड़ा खड़ा कर दिया था। अब इंडिया लेजेंड्स के सामने लक्ष्य था 151 रन का। सबसे पहले बात करते हैं यार भाई इंडिया लेजेंड्स की बॉलिंग की, तो जहीर खान ने 4 ओवर में 2 विकेट निकाले, मनप्रीत गोनी ने 3 ओवर डाले, एक भी विकेट इनको नहीं मिला, मुनाफ पटेल ने भी 2 विकेट निकाले हैं, प्रज्ञान ओझा को 2 विकेट मिले हैं, इरफान पठान को 1 विकेट और युवराज सिंह ने भी 1 ओवर डाला था, वहां पर उनको कोई विकेट नहीं मिला है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया लेजेंड्स की, तो इंडिया लेजेंड के सामने लक्ष्य था 151 रन का। यहां पर बात करें तो ओपनिंग करने उतरे लेजेंडरी प्लेयर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। यहां पर दोनों ही ने बहुत अच्छी पारी खेली। यहां पर जो इंडिया का ओपनिंग स्टैंड था वो था 83 रन का। यहां पर फिर गिरा सचिन तेंदुलकर का विकेट। तेंदुलकर ने 36 रन की एक शानदार पारी खेली है, जहां पर 7 चौके शामिल थे, और बहुत अच्छा यहां पर सचिन तेंदुलकर खेल के गए, और आखिरी में सुलेमान बेन ने इनको आउट करा। इसके बाद नंबर 3 पे बैटिंग करने आए मोहम्मद कैफ ने 16 बॉले खेली, 14 रन बनाए और कार्ल हूपर ने इनको आउट करा। नंबर 4 पे बैटिंग करने आए मनप्रीत गोनी को ऊपर भेजा गया। आई थिंक युवराज सिंह को आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मनप्रीत गोनी को भेजा गया और मनप्रीत गोनी पहली ही बॉल पे आउट हो गए, डक पे आउट हो गए। कार्ल हूपर ने इनको भी आउट कर दिया। इसके बाद नंबर 5 पे फाइनली बैटिंग करने आए युवराज सिंह अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, एक शानदार छक्का युवराज सिंह ने मारा था और इंडिया लेजेंड्स ये मुकाबला जीत चुकी है। यहां पर बात करें तो भाई युवराज सिंह ने 7 बॉले खेली, सिर्फ 10 रन उन्होंने बनाए, एक छक्का शामिल है। और भाई वीरेंद्र सहवाग ने शानदार पारी खेली है, 74 रन की 57 बॉलों में, और यहां पर 11 चौके वीरेंद्र सहवाग की पारी में शामिल है। यहां पर छक्के मारने की तो भाई बहुत ट्राई करी, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक वन बाउंस चौका चलेगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वीरेंद्र सहवाग ने 74 रन की एक शानदार पारी खेली है और इंडिया लेजेंड्स ये मुकाबला जीत चुकी है। सो इंडिया लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी टूर्नामेंट की शुरुआत एक जीत के साथ कर ली है। अब आगे यार, इसके ऊपर आपको और वीडियोस चाहिए तो बता देना, मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी। कल है ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स का मुकाबला, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।